क्या आपने कभी ढक्कन से सोफों को साफ करा है? इस कांच के ढक्कन से आज हम सोफों को साफ करके दिखाएंगे। दोस्तों, सोफे होते तो सभी के घर पे हैं, लेकिन इनको वॉशिंग मशीन में डाल के साफ तो किया जा नहीं सकता। कपड़े तो हमें हर हफ्ते धोने होते हैं, लेकिन जो सोफे के कपड़े हैं ये कभी भी नहीं धुल पाते, जिनकी वजह से इन पे धूल, मिट्टी और गंद जमा होता रहता है, जिससे घर में ढेर सारी गंदगी घुस सकती है। अगर ये साफ हैं तो घर में गंदगी नहीं होगी। जब भी हम इन पे हाथ लगाते हैं, हमारे हाथों में जर्म्स लग जाते हैं, गंदगी लग जाती है। तो चलिए आइए देखते हैं इस ढक्कन से, मात्र इस ढक्कन से कैसे इन सोफों को अच्छे से साफ किया जा सकता है। तो चलिए इनको साफ करने के लिए सबसे पहले एक बर्तन ले लीजिए और जड़ से इसकी गंदगी को साफ करेंगे। इसमें थोड़ा सा बर्तन में पानी डाल दीजिए ताकि हम इन सोफों को ड्राई क्लीन कर सकें और एकदम साफ कर सकें घर पे मुफ्त सी कीमत में। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा, लगभग आधे ढक्कन के आसपास, या फिर मैं कहूँ एक चम्मच के आसपास। साथ ही में जाएगा, घर में इजी सभी के होता है, नहीं हो तो मार्केट में 1-2 रुपए का पाउच मिल जाएगा, और इजी नहीं भी हो तो सिर्फ डिटर्जेंट से भी काम चला सकते हैं। साथ ही में जो हैंड सैनिटाइज़र होते हैं आजकल अल्कोहल बेस के, मैं थोड़ा हैंड सैनिटाइज़र डाल रहा हूँ इसमें। ये जर्म्स को अच्छे से ख़त्म करता है, वो मेरे को चाहिए था इसलिए मैंने इसको अच्छे से इसमें डाल लेना है। लगभग 4-5 चम्मच मैंने इसमें सैनिटाइज़र डाल लेना है। साथ ही में दोस्तों मैं डालूंगा इसमें लगभग 1 चम्मच के आसपास डिटर्जेंट। अगर आपके पास इजी नहीं था तो डिटर्जेंट 1 से 1.5 चम्मच और भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से घुमा लीजिए। अब घुमाने के बाद आप देखेंगे इन सब का अच्छे से रिएक्शन हो गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भला ये पानी और ये ढक्कन इस सोफे को साफ कैसे करेगा, इसकी गंदगी कैसे ख़त्म करेगा। और दोस्तों आप आज देखेंगे तो आपकी आँखें भी ये सोचने में मजबूर हो जाएंगी कि सच में सोफ़ा भी कुछ ऐसे साफ हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, हमने क्या करा है, एक रुमाल ले लिया है। रुमाल को अच्छे से डिप कीजिए इसके अंदर और उसके बाद निचोड़ दीजिए ताकि ये कपड़ा जो है इस पे ये सारा मिश्रण अच्छे से लग जाए और उसके बाद अच्छे से निचड़ जाए। निचोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमने ले रखी है कंटेनर, इसको साइड करेंगे और रुमाल को सीधा अपने सोफे के ऊपर फैला देते हैं। अब दोस्तों रुमाल फैलाने के बाद आपने क्या करना है कि जो ढक्कन आपको दिख रहा है ये कांच का नहीं है, अगर आपके पास स्टील का भी है घर में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें पकड़ने का हैंडल हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अब बीचों बीच ये ढक्कन रख दीजिए एकदम सेंटर में और इसको बांध लीजिए ऊपर से, बहुत अच्छे खास स्टाइल से दिखाते हैं। कुछ इसी तरीके से चारों साइड्स को अच्छे से बांध लीजिए। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ये बंध गया है, साइज़ भी एकदम एक्यूरेट है। और अब ग्रिप की कितनी अच्छी बनेगी, ग्रिप अच्छी बनेगी। अब हमें क्या करना है, इसकी ग्रिप जैसे हम इधर से दिखाते हैं आपको पकड़ के, आपको इसको ऐसे पकड़ लेना है और सोफे के ऊपर, देखिए कितना साफ कपड़ा है, अब इसको सोफे के ऊपर चलाएं, आपको दिखाई देगी कितनी गंदगी आपके सोफों के ऊपर थी। और ये कितना ज़रूरी अहम काम है जो आपको करना चाहिए। देखिए सोफे कैसे साफ हो रहे हैं, और अब इस कपड़े की मिट्टी देख के तो आप शॉक्ड हो जाएंगे कि आपके घर में इतनी मिट्टी जमा हो रही थी और आपका ध्यान भी इसके ऊपर कभी नहीं जा रहा था। ये देखिए कितनी गंदगी, कितनी मिट्टी थी इनके ऊपर। तो दोस्तों आपको ऐसे सोफ़ों को साफ़ कर लेना होगा, और सिर्फ ऐसे नहीं कि नीचे ही और यहीं ऐसे साफ़ होंगे, सोफ़े की हर दिशा में इसको साफ़ कर लीजिए। देखिए डस्टिंग में कितना इम्पोर्टेंट है, कितने गंदे होते हैं सोफ़े दोस्तों। यहाँ पे मेहमान आके बैठते हैं, हमें बैठना होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं घर में उन्हें बैठना होता है, कभी कोई चीज़ खाने की गिर जाती है तो उठा के उसको खा लेते हैं। तो दोस्तों ये कितने साफ़ होने ज़रूरी हैं और कभी हमारा इन पर ध्यान भी नहीं जाता। तो घर पर ही आज हमने सोफ़ों को अच्छे से ड्राई क्लीन कर दिया, आपके सामने है। कितना इम्पॉर्टेंट टिप है, कितनी काम की आप जानते हैं, इसको ज़रूर शेयर कर दीजिए दोस्तों ताकि सारे लोगों तक पहुंच सके, हर कोई अपने घर ऐसे अच्छे से सोफ़ा क्लीन कर सके। आपके सामने अभी रुमाल खोल के दिखाएंगे और आप उसके बाद तो दंग रह जाएंगे, दोनों तरफ इसके मिट्टी मिट्टी होगी। अरे यार सोफे पे इतनी मिट्टी, आप ही कहने लगेंगे। कमेंट करके बताइए आपको टिप कैसी लग रही है दोस्तों, और ये आप भी ऐसे करना चाहेंगे कि नहीं। और मैं आपको दिखाता हूँ फटाफट से खोल के कि गंदगी कितनी थी इसके अंदर, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सको कि बीचों बीच कितनी मिट्टी है और साइडों में क्या हुआ है। तो इसको फटाफट से आप खोल लेते हैं, चलिए बिना देरी करे ये आपको खोल के दिखाते हैं कि कपड़ा कैसे बेचारा बोल रहा है कि अब तो मुझे पूरा मिट्टी मिट्टी कर दिया है, मुझे दो ही दो। इसका मतलब कि कितनी मिट्टी थी इनमें, ये लीजिए दोस्तों देख लीजिए मिट्टी। सोचा भी था इतना गंदा हो जाएगा रुमाल बीच से, ये देखिए दोनों साइडों से गंदा हुआ है, ये नहीं सिर्फ एक साइड से गंदा हुआ है, मिट्टी ऊपर तक आ गई रुमाल की, इतनी गंदगी होती है सोफे पे।
आप भी ऐसे क्लीन कीजिए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिए। हमें कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से कुछ नया लौट के आऊँगा लेके आप सभी के लिए। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा दोस्तों।